अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान आसिफ और आज हम लोग रेड टेक के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो है वो कराची के मशहूर शख्सियत जो कि जिनको हम फाउंडर भी कहें क्रॉप आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का, तो वो भी सही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ जो है वो इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त जो है वो हमारे निकाला। तो मैं सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले तो इस बारे में थोड़ा सा वो कर लेते हैं, नॉलेज जो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी नॉलेज होगी अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आर्किटेक्ट विजुअलाइजेशन का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो। ठीक है, बेसिकली आर्किटेक्चुअल विजुअलाइजेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप जो है वो क्लाइंट को और जो है वो आपकी जो चीज़ है, एज एन अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट वगैरह आप कुछ कर रहे हैं, तो स्केच से या फिर कोई ड्राइंग वगैरह से किसी को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में मॉडल है क्या। ठीक है, अगर आप किसी जो है वो आर्किटेक्ट के पास भी जाते हैं या किसी भी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो आपकी मॉडल को या आपके किसी प्रोडक्ट को स्केच करके देता है, तो उससे वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि एक्चुअल में वो बनाना क्या चाह रहा है। भले आप उसको इनकम्प्लीट चीज़ होती है, वो उसका जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है कि वो किस तरीके से वो करना है। तो स्केच से जो है वो आपकी चीज़ें प्रॉपर क्लियर नहीं होती थी, इसी वजह से विजुलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको लाइनिंग से लेकर जो लाइंस है उसको कन्वर्ट करके आप उसको 3D में कर सकते हैं कि एक्चुअल के अलावा वो चीज़ 3D के अंदर या फिर स्क्रीन के अंदर वो कैसी दिखेगी। तो इस वजह से विजुलाइजेशन ज़रूरी है और जो है वो हम इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है वो लाइन से हट जाएं, भले लाइन ज़रूर करें लेकिन लाइन से हट कर आप जो है वो विजुलाइजेशन की तरफ आए, ताकि वो चीज़ बनी हुई नहीं है लेकिन वो आपके दिमाग में है कि हाँ बनने के बाद ये ऐसी होगी। तो इस वजह से विजुलाइजेशन इस फील्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कोई भी चीज़ की मिसाल ले लें, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हो, चाहे कार की हो या मोटर बाइक की हो, वो सबसे पहले आपको स्केच करवाते हैं। ठीक है, स्केच के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसकी जो है वो हमने एक्चुअल में बनानी कैसे है, जो उसका पहला एक थॉट होता है कि हमने इसको ऐसे करना है, फिर वही चीज़ वो जो है वो उसको स्केच में कन्वर्ट करते हैं। जब स्केच में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो उसको 3D में लाते हैं कि अब बनने के बाद कैसी होगी, जब लेफ़्ट से राइट से टॉप से बॉटम से ये सारे सेक्शंस कहलाते हैं, ये सेक्शन के थ्रू जो है वो एक विजुलाइजर या एक 3D मॉडलर उसको 3D में कन्वर्ट करता है। तो जब उसको कन्वर्ट करता है तो वो एक्चुअल में ना बनी हुई चीज़ आपके दिमाग में बन जाती है कि हाँ बनने के बाद ये ऐसी होगी। सही, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम इस तरह से है कि जो चीज़ बाप दादाओं से चल रही होती है तो उससे रस्म ये होती है कि अगर कोई बिजनेस मैन है, एक बंदे का बिजनेस चल रहा है, तो उनके बेटे भी उसी बिजनेस को लेकर आगे चलते हैं। तो आपका भी कोई सिस्टम इस तरह से था कि आपके फादर थे वो भी विजुअलाइजर थे, या फिर आपने खुद इस फील्ड को चूज़ किया? अगर आपने इस फील्ड को खुद चूज़ किया तो ऐसी क्या वजूहत थी जो आपने बोला कि ये जो है वो मेरी काफ़ी इंटरेस्ट की है और मैं जो इस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ूँगा, इस फील्ड में काम करूँगा? जी, बेसिकली पाकिस्तान में तो वैसे चलता आ रहा है कि जो है वो बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे साथ ये ऐसा नहीं हुआ। मेरे फादर जो है वो बैंक में थे और मैं जो है वो क्या कहते हैं इस चीज़ में, मैं बनना चाह रहा था एनिमेटर के जो है वो मूवीज़ वगैरह में कैसे काम करते हैं और इस तरीके से, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आनी चाहिए लेकिन वो बैन है, आ नहीं रही लेकिन बैन है। बैन इस वजह से क्योंकि 3D प्रिंटिंग जो है वो पाकिस्तान में बैन है, जो 3D प्रिंटर है, कि कहीं उससे जो है वो कोई ऐसी चीज़ ना बन पाए। तो इस वजह से पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे है। तो हम ये चीज़ ऐसे फील है कि हमें जो है ना इसमें नई से नई टेक्नोलॉजीज़ को हमें लाना चाहिए। अब यही इसी बात का आप कर लें कि पाकिस्तान इस तरह पीछे है कि कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो बाहर मुल्क में नेक्स्ट जो वर्जन है वो बनना बंद हो गए। तो और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और भी सॉफ्टवेयर हैं जो पाकिस्तान में आने हैं लेकिन वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के जो है वो जहनों में एक अलग सी चीज़ बनी हुई है, एक अलग उन्होंने जो है वो अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि इससे जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है कि आप उनको थोड़ा सा आप ग्राफिक के बारे में बताएं, आप इस चीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि ये पूरी फील्ड एक बहुत तवील फील्ड है।
बहुत लंबी है, इसमें मतलब कोई स्टॉप है ही नहीं। आप एक चीज़ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अब सबसे पहले जो पहले सॉफ्टवेयर बना था वो पाकिस्तान में, जिसमें इसकी एक छोटी सी मिसाल लूँ, जो स्पाइडरमैन, जो फर्स्ट स्पाइडरमैन थी, वो एक जो है वो सॉफ्टवेयर में बनी थी, और वही सॉफ्टवेयर अब वो यूज़ ही नहीं होता बाहर मुल्कों में। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं कि भाई अगर एक सॉफ्टवेयर 10 बंदों का काम कर रहा है तो हम ऐसा क्या करें, सॉरी क्या कहते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर से हम इतने सारे काम ले रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा कोई चीज़ करें कि जो है वो इतने सारे सॉफ्टवेयर बना लें, तो टाइम कम हो और चीज़ हमारे प्रॉपर हो। तो अब ऐसे हो गए कि जो एक ही सॉफ्टवेयर 10 चीज़ें देता था, अब एक ही चीज़, एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही चीज़ दे रहा है, और वो स्पेशलाइज कर रहा है और टाइम भी कम ले रहा है। तो इन्होंने इस चीज़ को डिवाइड कर लिया, लेकिन अब भी पाकिस्तान में ऐसे ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो चलते आ रहे हैं, लेकिन वो जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, वो नई टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान में आई नहीं थी। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले चूज़ करके आगे निकल रहे हैं तो वो पाकिस्तान में फिर आता है बाहर? जी बिल्कुल, मतलब वहाँ से रिजेक्टेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, और वहाँ वहाँ पर भी जो है वो सीरियल वाइज नहीं आ रही, बस वो आई फिर इसके बाद वो थोड़ी ब्रेक हुआ, फिर इसके बाद दूसरी आई। अब यही चीज़ है कि आप कोई नई चीज़ अगर आप इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं तो उस पर इशूज़ इतने हैं, उसका आना, उसका लाना, उसके टैक्स और उसकी ड्यूटी और बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, तो बंदा फिर बोलता है कि यार जो चीज़ है हम उसी पे सब्र शुक्र कर लेते हैं, तो वो नए सॉफ्टवेयर की तरफ जाते ही नहीं। इसकी एक बेहतरीन सी मिसाल है कि जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो प्रीमियर था, वो प्रीमियर अब बाहर मुल्कों में यूज़ होना बंद हो गया। मतलब वो चाहते हैं कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर खुद अपने ओन से बनाएं कि जो है वो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स का काम कर ले, तब वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाते ही नहीं। मतलब उनका जो है वो जो दिमाग है वो इन्होंने काफ़ी उन्होंने बहुत बसी कर लिया इस चीज़ में। पहले तो गिनती के जो है वो 7-8 सॉफ्टवेयर होते थे, वो जो है वो सबका काम करते थे, लेकिन अब इतने सारे सॉफ्टवेयर हो गए हैं कि बंदा हर 6 महीने बाद या 8 महीने बाद एक नया नया सॉफ्टवेयर उनका लॉन्च होता ही है, जो उनकी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ होता है, और हम इतने पीछे हैं कि हमें उनके सेमिनार तक नहीं मिलते कि ये सॉफ्टवेयर का ये सेमिनार है, हमें वो भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने मतलब समझते हैं आप, पाकिस्तान एक ऐसी जो है वो बाउंड्री में कैद हो गया है कि अब वहाँ बाहर से चीज़ें आना भी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि वो यही चीज़ कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क में ऐसे देने का फ़ायदा क्या, जो हमारे 7 साल पहले की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर एज ए न्यू लॉन्च हो रही हैं, तो वो कहाँ पहुँचे होंगे फिर, हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। और दूसरा जो आपका कोटा, वो जो आप कह रहे थे कि सिस्टम जो बाप दादाओं से आ रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है कि अगर आप क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो ही आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी है वो आपको किसी बुक में नहीं मिलती और ना ही कोई आपको सिखा सकता है। हाँ, आप इस फील्ड में जब आप मतलब समझ लें इस मैदान में जब आप उतरेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला कितना ख़तरनाक है, सामने वाला चाह क्या रहा है। तो ये फील्ड इसी तरीके से है, और ये फील्ड नहीं, मैं तो समझता हूँ ये फील्ड नहीं, बाकी जितनी भी फील्ड हैं अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ही करें। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, तो आप वही करें, क्योंकि आपका शौक ही वही होगा। और फिर इसके बाद अगर आपका जो है वो एलिवेशन डिज़ाइन है, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी कैटेगरीज हैं कि आप एलिवेशन डिज़ाइनर में हैं, या फिर आप जो है वो क्या कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर में हैं, या फिर आप ऐसे कोई ऑफिस डिज़ाइन में हैं, या फिर आपका जी बिल्कुल बहुत से ऐसे हैं जैसे अली नकवी सर हैं, ऐसे बहुत से आर्किटेक्ट हैं जो एक ही फर्म को जो है वो ले के बैठे हुए हैं और वही कर रहे हैं, और किसी चीज़ में उन्होंने इस चीज़ में हाथ नहीं डाला। तो ये एक ही फील्ड में आप रहें तो उस चीज़ के एक्सपर्ट हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि आप जो है वो कराची में ही अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं, या प्रोजेक्ट्स की जो डीलिंग है, या आप शहर से बाहर भी करते हैं, और कितने आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जिन जो है वो रेजिडेंशियल करते हैं, कमर्शियल करते हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में अगर डिटेल आप प्रोवाइड करें। जी, हम जो है वो टोटल जो है वो 21 प्रोजेक्ट्स जो है वो कर चुके हैं, जो 3 जो है वो कराची से बाहर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 19 के करीब जो है वो 19 या 18 के करीब जो है वो कराची के अंदर है, मतलब कराची में ही हो रहा है। बट ये क्या कहते हैं कोविड की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो चुका प्रोजेक्ट, तो वो बनने नहीं पा रहे। अब जैसे ही वो बन जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी जो है वो ऑन एयर होंगे हमारी वेबसाइट्स पर, और हमारे जो है वो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उसमें होंगे, और जो है वो
ऐसे बहुत से कमर्शियल्स भी हैं, जैसे आप पंजाब चौरंगी की तरफ एक है पासपोर्ट ऑफिस बन रहा है जो फोर्थ फ्लोर पे है, उसकी विजुलाइजेशन कर रहे हैं हम। अब वो कंस्ट्रक्शन पे जा चुका है बट थोड़े से इश्यूज की वजह से वो भी कंस्ट्रक्शन कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि जो है वो लॉकडाउन की आ रही है कि लॉकडाउन की जो न्यूज़ वगैरह आ रही है कि 15 से बंद है, 17 से बंद है, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, तो इस तरीके से। तो फिर लोग भी इस चीज़ पर डर रहे हैं कि अगर हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया या हमने कोई सामान वगैरह कोई भी चीज़ ऐसे एसेसरीज उठा ली तो हम कहीं चीज़ पर फंस ना जाए, तब वो लोग इस चीज़ पर वो डर रहे हैं कि हम क्या करें। ऐसे ही बहुत से बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपना काम रोका हुआ है कि हम किस तरीके से करें क्या करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं होती हैं कि जो अपने बंदे बंदे का अपना अपना शौक होता है कि भाई मैं ये चीज़ें इस्लामाबाद से मंगाऊं, ये चीज़ें मैं जो है वो बाहर से मंगाऊं, पाकिस्तान से बाहर से मंगाऊं। अब पाकिस्तान में इंपोर्ट खुलेगी तब वो चीज़ें आएंगी, फिर इसके बाद वो चीज़ें कंस्ट्रक्ट होंगी, फिर इसके बाद वो बनेगी, तब तक वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और इसी तरीके से यही चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं लेबर को कि वो क्या करेगा, काम रुक जाता है, काम बिल्कुल रुक जाता है। और इसी तरीके से हमारा विजुलाइजेशन का भी काम रुक जाता है कि भाई एक बंदा जब अपना प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं तो हम विजुलाइज क्या करेंगे। तो इसी वजह से हम जो है वो ज़्यादातर जो है वो कराची के ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अराउंड द पाकिस्तान जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान हम इंशाल्लाह करें। तो अभी जो है वो 6 महीने पहले जो है वो पैंडमिक स्टार्ट हुआ था जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है वो पूरे मुल्क में शुरू हो गया था। तो ये जो है जैसे कि आपने देखा है कि भाई जैसे विजुलाइजर आपने बताया तो इसमें भी फील्ड होती होंगी कि एक अपर क्लास होता होगा, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के हिसाब से, जैसे कि जो मतलब जिसने जब जैसे स्टार्ट की होगी अपनी कंपनी तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा या लोअर क्लास हम उसको कहें, तो इन लोगों को कितना नुकसान हुआ है, कितना इन लोगों को सफ़र हुआ है, क्या किसी को इसमें कोई फ़ायदा वगैरह हुआ है, तो इस बारे में थोड़ा सा जो है गाइड करें। देखिए हर चीज़ के जो है ना वो कुछ नुकसान हैं तो कुछ फ़ायदे भी ज़रूर हैं। तो ये जो पैंडेमिक हुआ है, ये जो COVID-19 जिन्होंने हमारे जो है वो 6 से 8 महीने जो है वो हमें बिल्कुल स्टॉप कर दिया था, पूरी दुनिया को ही स्टॉप कर दिया था, तो उससे नुकसान तो बड़ी बड़ी फर्म्स को हुआ है क्योंकि उनके पास 8 महीने तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा था क्योंकि वो छोटे प्रोजेक्ट तो लेते ही नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने अपने जो है वो बहुत से एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको फ्री कर दिया कि भाई जब हमारे पास काम आएगा और जो है वो हम बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, जैसे कि ये COVID-19 का कोई वो चक्कर नहीं होगा कोई वायरस का, तो हम फिर आपको बुला लेंगे। अब उनको तो उन्होंने घर पे बिठा दिया, तब तक वो 8 महीने तक क्या करेंगे। और ये नुकसान कंपनीज़ को भी हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, क्योंकि कंपनीज़ खुद चाह रही है कि भाई हम जिस बंदे को हम ऑन कर रहे हैं तो हम वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से फिर उन्होंने वो एक कंपनी जो है वो फिर बंद नहीं हुई, उन्होंने जो अपने जो मेन जो बंदे थे, जो मेन उनके एम्प्लॉयज़ थे, जो प्रोजेक्ट हेड होते हैं, जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लीड होते हैं, फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट में मेन वर्कर होते हैं, वो वर्कर को उन्होंने रखा, और जो एक्स्ट्रास थे जिनसे मतलब समझ लें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था तो उनको उन्होंने रोक दिया कि आप जो है वो घर पे बैठें, और फिर इसके बाद जब हमारी रीज्वाइनिंग होगी जैसे ही ऑफिस हमारा खुलेगा फिर इसके बाद हम आपको कैरी करेंगे। तो ये नुकसान तो ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और फ़ायदा इसमें ऐसा हुआ कि अब जैसे फर्म्स तो बंद हो गई तो ऐसे बहुत से जो है वो लड़के हैं जो ऐसे इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। आप इसी तरीके से देखें जो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे नाम तो खैर नहीं लेना चाह रहा लेकिन ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये लोग काम जो है वो ऑन करते हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं, तो वो सारे जो है वो ऑनलाइन की तरफ चले गए। अब पहले जो है वो हम ऑनलाइन से डरते थे कि हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अब हमारे पास कोई दूसरा वे ही नहीं था तो हमें ऑनलाइन करना पड़ा। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत से, और मैं खुद भी इस चीज़ पे जो है वो 1 महीने तक मैं वो बिल्कुल स्टॉप रहा, क्योंकि कोई भी करने को तैयार ही नहीं था अपना प्रोजेक्ट। अपने पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले वो 100 बार सोचता है कि आगे 4 साल बाद या 10 साल बाद कोई ऐसी उसको क्या कहते हैं पेंडेमिक या कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं आएंगी, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, रोड की हो गई, या एक्स वाई ज़ेड जो भी हो गया, गवर्नमेंट की चेंजेस वगैरह हो गई, तो इस तरीके से वो उन्होंने सोचना फिर बंद कर दिया। अब जैसे कि फिर वो कन्वर्ट हुए ऑनलाइन की तरफ, अब हम भी ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हुए। हमारा ज़्यादातर बेसिकली ये है कि हम अपनी स्क्रीन जो है वो क्लाइंट को शो कर देते हैं, अब हम अपने कंफर्ट जोन में हैं और वो भी अपने कंफर्ट जोन में हैं,
ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्क्रीन से या अपने लैपटॉप से सुकून से बैठ के जो है वो सारा काम विजुलाइज करवा रहे हैं। इससे एक और फ़ायदा ये हुआ कि जब आप कोई क्लाइंट किसी आर्किटेक्ट के पास या किसी विजुलाइजर के पास आता है तो वो एक सर्टन टाइम के लिए आता है, जैसे कि 3 से 4 घंटे या 1 घंटा या 2 घंटा, वो 2 घंटे में जितना काम हुआ हुआ, वरना फिर नेक्स्ट टाइम। अब ऑनलाइन में ये है कि आप हैं ही सारा दिन घर पर, तो आपने जो वर्किंग आवर्स हैं, जो आपके स्लीपिंग आवर्स हैं, उसके अलावा आप जितने भी वर्किंग आवर्स हैं आपके, उस पर वो बंदे काम कर रहे होते हैं। और इस हमारी जो हमारी फर्म थी, जो क्रॉप आर्किटेक्चर विजुलाइजेशन है, उसने भी इसी तरीके से किया कि जो बंदे घर से थे उन्होंने अपनी स्क्रीन्स क्लाइंट को शो करवा दी कि आपका जो काम ऐसा होगा। अब क्लाइंट को भी जो है वो इस तरीके से एक माइंड में मिला कि हमारी कुछ चीज़ें जो है ना वो डिलीवर हो रही हैं, कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट बताना शुरू कर दिया कि भाई एक चीज़ है कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टेयर केस हो गई या बेडरूम हो गया या बैल्कनी हो गई, वो बैल्कनी का मूवमेंट वगैरह वो ऑन द स्पॉट वो करवाने के भैया यहाँ नहीं रखो, यहाँ रखो, या फिर यहाँ से नहीं यहाँ पर रखो, या इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन करो। तो वो भी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी ऑनलाइन के अंदर। तो ये भी फ़ायदा हुआ इस चीज़ का कि हम ऑनलाइन की तरफ आए, और ये अच्छी बात है कि हम ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि किसी एक जगह पर काम करना वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन कि ऑनलाइन अगर आप काम करते हो तो उसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस फील्ड में जो है ये लोग जो है वो नए नए जो यंग टैलेंट है वो आ रहे हैं, वो फ्रंट पर आ रहे हैं, तो आप उनके लिए ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बेसिकली जो फिज़िकली और डिजिटली दोनों तरीके से क्लाइंट्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और उनको वैसे क्या वैल्यू ऑफर करें जिससे जो क्लाइंट जो है वो उनके उनके पास जाकर उनके साथ अपना जो है वो प्रोजेक्ट डीलिंग कर सकें। देखिए, इसके लिए तो बेहतरीन मशवरा ये है कि वो सबसे पहले जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड किसी फर्म में कुछ साल जो है वो तकरीबन 1 से 2 साल वो उस फील्ड में गुजारे, कि जैसे वो प्रोजेक्ट करते कैसे हैं स्टार्ट टू एंड, सब चीज़ें हैं, सिर्फ प्रोडक्शन का ही नहीं होता, आपने मार्केटिंग का भी देखना होता है, और फिर आपने जो है वो एडमिन का भी देखना होता है कि वो एडमिन किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एट द टाइम आपने भी आगे जाके किस कभी ना कभी तो फर्म बनना है ना, आपने कभी ना कभी कंपनी बननी है। तो इसी वजह से उनमें मेरा बेहतरीन मशवरा ये है और मैं सबको देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप सबसे पहले जो अगर आप इस चीज़ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किसी फर्म से अटैच हो जाएं, तकरीबन 2 साल, 2 से 3 साल तो बहुत है, आप उससे अटैच हो जाएं, वो बेसिकली काम करती कैसे है। अब हमारे यहाँ पर नुकसान ये होता है कि एक नॉर्मल सा बंदा आया, उसने देखा कि यार ये चीज़ है और ये सॉफ्टवेयर है, उसने यूट्यूब से देखा, ठीक है अच्छी बात है आप यूट्यूब से देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ में मतलब अंदर गहराई में आप जाते नहीं तो आपको गहराई का पता नहीं चलता। अब वो करते हैं क्या है, वो ये है कि और यही मार्केट उन्होंने ख़राब भी की हुई है, और ये एक गलत है कि जो चीज़ के आप जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो तो आप एटलीस्ट लेना, ये नए नए जितने भी हैं वो यही करते हैं कि जो है वो किसी भी एक बंदे से बोल देते कि भाई मैं ये चीज़ें बनाने को तैयार हूँ बट मैं इतने में लूँगा। अब वही चीज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि भाई ये इतने पैसे में कर रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि एक फील देना इस फील के अंदर फील ही सब कुछ है, क्वालिटी और फील, अब वो क्वालिटी और फील नहीं दे पाते, लेकिन वो पैसे उस चार्ज उस फील के चार्ज करके वो जो है ना क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी फील से अटैच हो जाए, ठीक है किसी फर्म से अटैच हो जाए, आप उनका काम सीखें, आप सीखें कि वो करते कैसा है, उन्होंने कहाँ अपना जो है वो मुकाम बनाया तो मैंने भी बनाना, और कोई भी फर्म ऐसे मना नहीं करती कि जो है ना वो आप हमारे साथ अटैच हो जाए, या फिर कोई स्टार्ट में जो है वो क्या कहते हैं लो पे भी लोग काम करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो जैसे इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में शुरुआत में कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर इसके बाद आपको जो वो एक्सपीरियंस वगैरह देते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने जो है वो तकरीबन 3 से 4 साल जो है वो मैंने इस फील्ड में गुजारे, अलग अलग कंपनीज में काम करता गया, फिर इसके बाद जो है वो फिर मैंने अपना सोचा, मैंने कहा यार अब मैं चीज़ें समझ गया हूँ, अब वही चीज़ में मुझे मार्केटिंग का भी नॉलेज है कि किस तरीके से लोगों से क्लाइंट डीलिंग करनी है, किस तरीके से उनसे मीटिंग करनी है, क्या प्रेजेंट करना है तो क्या नहीं, और कौन सा काम उनको अच्छा लगेगा, कौन सा काम उनकी रेंज में आएगा। अब ये नहीं है कि मैं उनकी रेंज से हाई काम लेकर जाऊँ तो वो पहले ही बोलें कि भाई हमारी मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, हमें ऐसी दो तीन चीज़ें हमें साथ लेके चलनी होती है कि जो है वो क्लाइंट को ये नहीं तो ये तो ज़रूर पसंद आएगा।
तो अब वो करते क्या है, वो ये करते हैं छोटे छोटे जो है वो यूट्यूब से सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और फिर इसके बाद वो फील्ड में आना शुरू हो जाते हैं। अब उनको प्राइस का पता नहीं होता, अब वो प्राइस सबसे मतलब उनको जाहिर सी बात ये उनको ये है कि भाई ज़्यादा नहीं कम आ रहा है ना तो आने दो। इससे ये दूसरों को नुकसान पहुँचता है, ठीक है आप तो अपना काम कर रहे हो लेकिन दूसरों को नुकसान पहुँचता है कि जो एक जायज़ अमाउंट है जो जायज़ पेमेंट है वो तो आप एटलीस्ट लेना। इसके अलावा सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग जो है वो जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत से क्लाइंट्स को बेवकूफ़ भी बना देते हैं, देखो तो आप क्लाइंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कैसे सेलेक्ट करें कि दिस इज़ द बेस्ट आर्किटेक्ट कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, वैसे उसमें क्या खूबी हो कि जिससे उनको पता लगे कि भाई ये जो आर्किटेक्ट है ये मेरे लिए बेस्ट है और ये जो है वो क्वालिटी वर्क भी देगा और रीजनेबल प्राइसेस में भी और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो परफेक्टली जो है उसको प्लेस कर देगा। देखिए क्लाइंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही मैं उनको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले जो है वो आप उनके ऑफिस विजिट करें या फिर उनसे एक मीटिंग करें। लेकिन अगर ऑफिस में तो फिर वो अगर आप उनसे मीटिंग करें कोई इशू नहीं है, भले ऑफिस ना हो, शुरुआत में हमारा भी ऑफिस नहीं था, अब जाके जो है वो हमने जो है वो इन्वेस्ट करके जो ऑफिस लिया है वो भी कोलेब्रेशन से कि हम आपके ऑफिस में जो है वो इस जगह पर हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इसके आप मंथली चार्जेस ले लें, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे एंट्रेंस ही अलग है, हमारा उनसे कोई लिंक नहीं, उनका हमारे से कोई लिंक नहीं, बट उन हमारा बेहतरीन फ़ायदा ये हुआ कि वो है मार्केटिंग वाले, जिस जगह पर हम कर रहे हैं उनके बिल्कुल बराबर में, मतलब पोर्शन भी हमने लिया था, हमने दो पीसी से स्टार्ट किया था, और शुरुआत में ऐसे ही होता है आपने खुद ने काम करना होता है, कुछ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपने अपना स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये मैं बिजनेस को ये कहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ही आपके काम को जो है वो शो कर रहा होता है, आपके नेचर को शो कर रहा होता है, आपकी फील को आपकी क्वालिटी को शो कर रहा होता है और आपकी पेमेंट को शो कर रहा होता है। वो लोग ये कहते हैं वो बिजनेस सबसे पहले आपको कॉल करके बोलेंगे कि सर मैं ये काम करता हूँ, कितने में करोगे, मैं 5,000 में करूँगा। मुझे ये समझ में नहीं आती 5,000 में लोगों कौन बना के देता है, और वो लोगों बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं और कोई भी बंदा क्लाइंट भी समझ सकता है, वो गूगल को 3 इमेजेस को जोड़ के एक गूगल बना मतलब एक लोगो बना के उनको दे दिया। अब ये लोगों तो ना हुआ ना, लोगों तो आपकी कंपनी की आपकी पहचान है कि आप उस लोगों को देखें तो आपको बोले कि हाँ यार ये एक ब्रांड है, एक चीज़ है, वो क्वालिटी डिलीवर कर रहा है। अब आप इतने लाखों रुपए, बल्कि अब तो कारोबार लाखों में शुरू होता ही नहीं, अब तो करोड़ों में शुरू होता है, कि आप करोड़ों में शुरू हो रहे हो और आप 5,000 में लोगो बनवा रहे हो, आप 8,000 में इंटीरियर डिज़ाइनिंग बनवा रहे हो, आप 6,000 में प्लान बना रहे हो जो आपके बिल्कुल मतलब समझ लें करोड़ों की ज़मीन है या लाखों की शॉप है, उसके आप 6,000 रुपये दे रहे हो क्या कहते हैं प्लानिंग है कि यहाँ पर ये होना चाहिए वहाँ पर वो होना चाहिए। मतलब आप एक चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट क्वालिटी तो लें, आपको सिर्फ लाइनिंग से इशू नहीं होता, फिर वो चीज़ें हज़ार मसले होते हैं कि भाई एक बिल्डिंग का अब ये जो सबसे पहले जो होता है कि आर्किटेक्ट को पकड़ा जाता है कि बिल्डिंग में कोई डैमेज है, उससे पहले इन लोगों को पकड़ा जाए कि भाई ऐसे प्लान्स आपने बना के दिए क्यों, आप बिल्डर से पकड़ें कि जो इस तरह की जो डिमोलिशिंग होती है जो घर गिर जाते हैं छत वगैरह गिर जाती है तो उससे आप नॉर्मल से बंदे एक जिस बंदे को पिलर्स का नहीं पता कि पिलर्स की थिकनेस होती क्या है या उसके अंदर जो है वो स्टील है वो या फिर लोहा है जो भी चीज़ आप उसके अंदर पुट कर रहे हैं तो वो किस मतलब क्या उसकी मिकदार होनी चाहिए क्या उसकी क्वान्टिटी होनी चाहिए वो उसको पता ही नहीं, उसने बस 4 पिलर पर जो है वो बिल्डिंग खड़ी करके दे दी। अब आपको ये समझ नहीं, आपने कहा कि हाँ ठीक है मेरी डिज़ाइन के हिसाब से ये ठीक है और आपने घर बना दिया, तो नुकसान तो आपका है और उसके साथ उसका भी है कि उसने आपको 6,000 में पूरी एलिवेशन बना के दे दी क्योंकि उसको तो नहीं पता दीवार कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से है, उसने तो बस यूट्यूब पे देखा कि क्या कहते हैं प्लानिंग ऐसे बनती है बस। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अब जैसे कि आप ब्लेंडर के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं तो डिजिटली भी हम आपकी जो मार्केटिंग भी कर रहे हैं इसके अलावा डिजिटल आपके साथ कनेक्ट भी हो गए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम किस तरह से जो है वो हम लोग आपको ऐसे क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लेंडर जो है वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है और आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बहुत से लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है क्योंकि आप जो है वो एक आप अकेले मंजिल पर जाना कोई कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि आप सबको एक साथ लेकर जाएं, जब सबको साथ लेकर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप लीडर हैं और पीछे सारे काम करने वाले हैं, फिर आपकी ज़बान होगी और हमारा काम होगा, फिर आपका इशारा फिर और हमारा काम होगा कि हम किस तरीके से चलेंगे। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से मैंने जो है वो फॉर्म
जो एक कंपनी खोली है, इसी तरीके से बहुत से लोगों ने खोली होगी, लोगों को पता ही नहीं। पर लोग ये है कि थोड़ा सा दोस्तों को बोल दिया, रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं ये काम करता हूँ, दोस्तों ने कभी किसी को प्रेफर कर दिया कि भाई इस बंदे को जो है वो थोड़ा सा काम है 3D का, तो आप ज़रा कर दें ये, इसको एक नया मॉडल, या मेरे बॉस को जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है, अब वो चाह रहे हैं कि 3D में पहले देखूँ कि किस तरीके से। तो ये चीज़ें तो एक ये है कि मतलब किसी ने आपको प्रेफर किया तो काम आया, लेकिन इस तरीके से जितने भी जो प्लेटफॉर्म है इनसे अटैच होने का ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चलता है कि आप भी हैं इस फील्ड, मतलब गुमनाम है, नाम ही नहीं है उनका, नए नए हैं आर्किटेक्ट भी ऐसे बहुत से हैं जिस तरीके से जो है वो किसी फर्म से अटैच होकर जो है वो अपना नाम बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम खुद ही बनाते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ी जो है वो मतलब समझ लें टाइम पीरियड भी चाहिए कि हम फिर ये काम करते हैं। दो तरीके हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें और फिर इसके बाद जो है आप करें, या तो फिर यह आप किसी फर्म से अटैच होकर फिर आप करें। आप बाहर मुल्क में भी देखें कि लोग जो है यहाँ से अटैच होकर फिर यहाँ पर अटैच होकर फिर अटैचमेंट से चलते हैं, जाहिर सी बात है कोई एक बंदा अकेले चला जाए वो कमाल नहीं है। आप अब जैसे इस प्लेटफॉर्म में जो है वो बहुत से ऐसे जैसे बिल्डर्स भी हैं, विजुलाइजर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, और इसी तरीके से आपके आपने बताया लॉयर भी हैं, तो जो मतलब समझ लें ज़मीन का टुकड़ा आपने लेने की जो है वो ख्वाहिशमंद है, और फिर आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप अटैच हो जाते हैं या किसी एक बंदे से आप कॉल कर लेते हैं तो आपकी सारी झंझट ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लॉयर सबसे पहले जो होता है कि आप प्रॉपर्टी जो आपने ली है उसका टैक्स, अब वो टैक्स के लिए लॉयर के चक्कर काटेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो बाद में सबसे पहले जो है वो उसको ये बोलेगा भाई मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो जानने के लिए वो लॉयर से मशवरा करेगा। अब अच्छा लॉयर कौन, तो वो ढूंढे। अब यहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि वो सबसे बेस्ट ही चूज़ करते हैं कि जो बेस्ट है उसी को हम चूज़ करें, क्योंकि हमें क्लाइंट को धोखा नहीं देना। हम ये है कि हम क्लाइंट को इस तरीके से लेंगे वो एक बार आया तो उसके सारे झंझट ख़त्म हो गए, चाहे वो पानी के मसले से हो या फिर वो जो है वो ग्लास के मसले से हो, कोई भी ऐसा मसला हो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आया या इस नंबर पे इसने कॉल की तो उसके सारे मसले हल हो गए। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है पाकिस्तान में, बल्कि बाहर मुल्कों में तो ऐसी बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऐसे बहुत से जो है वो कंपनीज़ हैं जो जिनके पास आप एक बार जाते हैं तो वो आपके सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। बिफोर वी साइन ऑफ, अगर आप कुछ वैल्यूएबल और कोई चीज़ कुछ शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, कुछ बताना चाहें, कुछ नया कुछ और आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयर करना तो यही है कि आप वेबसाइट विजिट करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, और जो है वो वहाँ से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आप नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो लॉन्च करने की कोशिश करें, आप बिल्कुल नए, और ज़रूरी नहीं कि आप किसी हाई फर्म से ही काम करवाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो लो फर्म होती है वो हाई फर्म से भी अच्छा काम करके देती है और सही पैसों में। तो मेरे जितने भी आर्किटेक्ट हैं जो दोस्त यार हैं जो देख रहे हैं मुझे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो जो न्यू कमर हैं आप उनको जो है वो थोड़ा सा मौका दें ताकि वो भी बढ़े, क्योंकि जो पुराने हैं वो पुराने अभी करे ही जा रहे हैं, उनका तो नाम हो चुका। अब मज़ा तो तब आया ना कि जब इतने सारे हों, अब एक ही फील्ड में एक ही बंदा है वो कमाल नहीं है ना, बहुत सारे हों तो एक होता है कि यार ये एक हब है। इसी तरीके से मैं सिर्फ आर्किटेक्चर विजुलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से फर्म्स हैं जिसमें ये है कि हमें दूसरे नए कमर्स को जो है वो चॉइस वगैरह और चांस देना चाहिए ताकि ये कि वो भी बिल्ड हो, और इससे हमारी जो है वो इंडस्ट्री ग्रो होगी, क्योंकि हम पुरानों को ही दे रहे हैं। अब वही बात हो गई कि बाबाओं को जो पुराने जो दादा वगैरह बैठे हुए, अब दादा के बाद ज़रूरी थोड़ी कि उसका बेटा भी आर्किटेक्ट हो और उतना ही क्रिएटिव हो जितना वो उसका बाप था, और ना ही उसका बेटा होगा, वो एक अलग निकलेगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक्टर के बेटे सिंगर निकलते हैं, सिंगर के बेटे एक्टर निकलते हैं। तो इस तरीके से इस फील्ड में भी ऐसा है कि जो क्रिएटिव आपको प्रेजेंट करके दे, जो आपकी जगह को क्रिएटिवली जो है वो डिफाइन करे कि मैं ऐसी चीज़ चाह रहा हूँ या आप जो चाह रहे हैं वो ऐसी चीज़ है, तो आप उन्हें मौका दें। तो नाज़रीन हम यहाँ पर जो है अपना इंटरव्यू एंड करेंगे, और मैं एक बार फिर
वैसे भाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे टाइम निकाला और हमारे साथ छोटा सा इंटरव्यू शूट किया। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।